यह गरीबों का बना बजट है, नौजवानों के लिए बना बजट है, किसानों के लिए बना बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, देश के व्यापारियों के विकास के लिए, देश की अवस्थापना सुविधाओं को बहुत और पहले से अधिक बेहतर करने के लिए, देश की विकास की गति को तेज करने के लिए और देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बजट को लाया गया है। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमने जितने अधिक रोजगार की व्यवस्था की है, हम उसे और गति देने वाले हैं। उन कंपनियों को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, आर्थिक प्रोत्साहन देने जा रहे हैं उन कंपनियों को जो नौजवानों को नौकरियां देंगे। हम उनके 1 महीने का वेतन भी देंगे, हम उनके PF का 2 साल का हिस्सा भी देंगे। हम अपने नौजवानों को 500 कंपनियों में 1 करोड़ की संख्या में स्टाइपेंड के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण भी देंगे। हम महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपया देंगे, वो अपने आप को और आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकें। हमने किसानों के लिए कांग्रेस के ज़माने के 27,000 करोड़ के बजट को बढ़ा करके 1,52,000 करोड़ का बजट कर दिया है। हमने मध्यम वर्ग के व्यवसायी अपने उद्यमों को बढ़ा सकें इसलिए उनके ऊपर अबाध पूंजी की वर्षा कर दी है। अब हमारे व्यवसायी, हमारे उद्यमी 100 करोड़ तक का ऋण गवर्नमेंट की गारंटी पर ले सकेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।